सर मैं नसीम अहमद पाइन होम सोसाइटी में रहता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एक तरह से 35 साल नौकरी करने के बाद हमने उस पैसे को अपने मकान बनाने के लिए, हर आदमी का सपना होता है कि हम जाके अपनी रिटायरमेंट की लाइफ अच्छी तरह गुजारे, पर बात यह है अब हमने यहाँ पर जो फ्लैट लिया है ये लिया है कि सुकून से रह सके, पर यहाँ पर कई शाम को अननेसेसरी भीड़, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, बरसात हो तो पानी आ जाता है, सड़कों पर रेडियां लगी हुई है, चारों तरफ गंदगी है, सड़क के किनारे पोलोथीन्स पड़े हैं जिससे डेंगू इतना फैल रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार के जो छोटे छोटे काम हैं अगर वो करते रहें तो शायद लोगों को सुविधा मिलती रहे, तो ये इस तरह के जाम या जो भी है अव्यवस्थित चीज़ें कोई नहीं करना चाहता, पर आज मजबूरी में हम लोग यहाँ पर सड़क पर इकट्ठे होकर अब आप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जीरकपुर का भी ध्यान दिया जाए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बरसात में पानी लोगों के घर में घुस जाता है, स्ट्रीट लाइट है, सड़क के किनारे सफाई है, सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं, दवाएँ छिड़कना या इस तरह के, देख लीजिए आप, हम एक डिस्पेंसरी के पास ही खड़े हैं, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर भी इस तरह से जंगल बना हुआ है, तो क्या है, सरकार या जो भी जिसकी भी ड्यूटी है उनको करनी चाहिए, लोगों ने सारी उम्र की अपनी कमाई लगा रखी है, तो मेरा तो यही है कि अगर प्रशासन का कोई अधिकारी आके यहाँ से आपसे मेमोरेंडम लेता है तो उसके बाद जाम खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल यही है हमारे, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की अव्यवस्थित चीज़ कोई भी की जाए, लोगों को तकलीफ दी जाए, पर हमारे घरों में ये समझ लो अंधेरा हो रखा है, आज लोग बीमार पड़े हैं, बच्चे स्कूल से टाइम से नहीं जा सकते, हमारे कोई गेस्ट नहीं आ सकता, मतलब अव्यवस्थित चीज़ों में सारी आ जाती है, तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इसके संज्ञान लेना चाहिए और काम करना चाहिए। जी इस तो पहला असं जाम वास्ते मजबूरी चलाया, असी जनता को तंग नहीं करना चाहते, मेरी 72 साल की उम्र होगी, 72 साल उम्र की सानू ये काम करना, ये जेडे जाम लग रहे ये साडे भरा, ये कोई बाहरले बंदे नहीं, साडे भरा, सानू मजबूरी, सानू 2 साल हो गए रेगूलर इन्हों असी मंग पत्र देंदे रहे भी साडा ये काम करो, ये रद्दी की टोकरी गिरदा। MLA साहब सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी ने इन्होंने पिंड भी जाके मिले, असं भी बंदे जाके मिले, पर वो कहते मिठिया गोले देने को अलावा कुछ नहीं। MLA साहब तो एक बारी भी साडे एरिए नहीं आया, दूजे साडे कौंसलर साहब है जो ये बिल्कुल काम नहीं करते, ये कहते असी मजबूर है कि MLA साहब सानू सेंशन नहीं दिता, गल इन्हां दी भी ठीक है, जायज है, असी नगर पालिका का जो उदयवीर जी प्रधान हैं उन्होंने मिले, वो अपना फाइल दिखाते हैं कि असी जी अपना मेमोरेंडम पा के अपने कागज़ पत्र तैयार करके जो असी उपर भेजते हैं, MLA साहब इन्हों का कोई नहीं, सानू परमिशन नहीं देंगे, असी इन्हों का काम नहीं करा सकते। मैं ये कहांगा कि सारे MH सारी जीरकपुर च किसी रोड में जाके देख लो, वो रोड टुटी भी हैं, मैं खुद कहता पिछले सितंबर महीने च 2023 च मेरे मुंडे का विआह सी, मैं खड्डिया च आप रेहड़ियाँ ला के मिट्टी गुरा के उत्थे जो भी टेंट वगैरह है वो लाया, पर किसी ने भी साडे, मैं इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि थोड़ा जा मिट्टी मुट्टी पवा दो, पर इन्होंने बिल्कुल नहीं पवाई। सीवरेज का वो बुरा हाल है कि पंचकूले तो जो पानी आता है वो सीवरेज बढ़ के साडे घर बदबू फैला रहा है, डेंगू।